हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आप लोगों के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। फाइनली आप लोगों का नीट यूजी मॉपअप राउंड का रिजल्ट जो है आउट हो चुका है। तो काफ़ी लंबे टाइम से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल है 3 से 4 बार चेंज हुआ, ठीक है। और फाइनली जो रिज़ल्ट दिया गया है वो बिल्कुल ऑन टाइम आपका रिजल्ट दिया गया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, कितने मार्क्स तक, कितने रैंक तक जो है स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाया है और किस टाइप का कॉलेज कितने मार्क्स पर मिला है। आज ये पूरा डिस्कशन इस वीडियो में मिलने वाला है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इंफॉर्मेशन, चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हो, काउंसलिंग से रिलेटेड हो, ऑफिशियल नोटिस या एप्लीकेशन फॉर्म 2022, हर टाइप की इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। अब डायरेक्टली गाइस हम चलते हैं, जो नीट यूजी मॉपअप राउंड का फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है उसकी जो पीडीएफ फाइल जनरेट की गई है वो क्या है और कितने मार्क्स तक के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए, चलिए कर लेते हैं ओपन। तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं, नीट यूजी काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट 2021 मॉपअप राउंड है, ठीक है। तो ये मॉपअप राउंड का है, ऊपर एब्रीवेशन दिए गए हैं। नीचे जो लिस्ट होगी उसमें अगर किसी का मतलब ना समझ आए तो आप एब्रीवेशन से देख सकते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है उनकी फुल फॉर्म दी गई है। तो गाइज़ यहाँ पर सीरियल नंबर से आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है मॉपअप राउंड के अंदर। देख सकते हैं, नीट यूजी काउंसलिंग सीट्स अलॉटमेंट 2021 मॉपअप राउंड। यहाँ पर रोल नंबर मेंशन है, यहाँ पर रैंक दिया गया है स्टूडेंट का, ये ऑल इंडिया कोटा है, कौन सा इंस्टीट्यूट उनको अलॉट हुआ है और कोर्स उनको कौन सा मिला है, एमबीबीएस मिला है, बीडीएस मिला है या बीएससी नर्सिंग मिला है, कौन सी कैटेगरी से स्टूडेंट जो है बिलोंग करते हैं और उनका रिमार्क क्या है, उनको कोई फ्रेश कॉलेज अलॉट हुआ है, अपग्रेड हुआ है, तो ये आपको रिमार्क में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं गाइज, ये टोटल मिलाकर 184 पेजेस है। तो 184 पेजेस के अंदर हम देखते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है और कितने मार्क्स तक। देखिए, अब तक एमबीबीएस ही चल रहा है और आप देख पाएंगे मॉपअप राउंड के अंदर भी कॉलेजों को, स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं, इवन एम्स तक मिल रहा है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट लास्ट तक वेट करता है, या फिर लक भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे होने के बावजूद वो मूव कर जाते हैं इन अदर कोर्सेज लाइक बीए, बीएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस। हाँ, हालांकि वो कोर्सेज भी अच्छे हैं, वो कोर्सेज ख़राब नहीं है, ठीक है। लेकिन जब टारगेट होता है बच्चे का एमबीबीएस और मिल जाता है उनको कोई अदर कोर्स सिर्फ इसलिए कि उनको कॉलेज अच्छा चाहिए, और अगर वो एमबीबीएस लेते हैं तो फ़ी ज़्यादा, अगर कॉलेज अच्छा भी मिल जाता है तो फ़ी ज़्यादा रह जाती है, इस वजह से स्टूडेंट्स जो है नहीं ले पाते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे एमबीबीएस, बीच बीच में बीडीएस एक्चुअल में बहुत ही कम स्टूडेंट है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस है, ये इनकी कैटेगरीज देख सकते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, जो भी कैटेगरीज है। और गाइज ये पेड कोटा सीट्स हैं, ठीक है, क्योंकि जब इतना रैंक है 850,833, तो ऑब्वियसली पेड कोटा सीट्स ही मिलेगी इतने रैंक पर। लेकिन अच्छे कॉलेज स्टूडेंट्स को मिले हैं। और अगर देखा जाए कि मॉपअप राउंड बोला जाता है, मॉपअप राउंड में तो कहाँ एडमिशन हो पाएगा, तो आप देख सकते हैं मॉपअप राउंड के अंदर भी 922,560 रैंक तक के स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, उनको एमबीबीएस कॉलेज अलॉट हुआ है ओबीसी कैटेगरी से, डीम्ड और पेड सीट कोटा आप देख सकते हैं। तो टोटल इस तरीके से मिलाकर जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है 4,880 स्टूडेंट्स का मॉपअप राउंड के अंदर गाइस सिलेक्शन हुआ है। तो जो स्टूडेंट जिनका नाम नहीं आया है उनके लिए भी एक अच्छी खबर आएगी। अच्छी खबर ये आएगी कि जो नेक्स्ट राउंड जो है स्टे वैकेंसी राउंड, उनके अंदर स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी मिलेंगे जो अपनी सीट को छोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको स्टे, अगर मॉपअप राउंड में आपने रजिस्टर किया है तो ही पॉसिबिलिटी है कि स्टे वैकेंसी राउंड में आपका हो, अदरवाइज पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।